मुजफ्फरनगर में चितरंजन स्वरूप स्मृति मंच के आयोजित 5 दिवसीय 11वां निशुल्क चिकित्सा कावड़ सेवा शिविर का प्रारंभ तुलसी पार्क नगर शिव चौक पर किया गया, जिसके आयोजन गण संरक्षक गौरव स्वरूप, सौरभ स्वरूप, विकास स्वरूप, अध्यक्ष शलभ गुप्ता, एडवोकेट महामंत्री जनार्जन विश्वकर्मापुर सभासद रहे। सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा की गई, उसके पश्चात मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला, पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, भाजपा नेता मोहन तायल, आशु स्वरूप, विशिष्ट अतिथि कृष्ण गोपाल मित्तल, जनार्दन स्वरूप समिति रोहल देव, भूमि विनय राणा, दीपक चौधरी, घनश्याम भगत, राजेंद्र गर्ग, राजकुमार गोयल, घनश्याम पालीवाल, काका भाई सभासद आदि ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। समिति के संरक्षणगण सौरभ स्वरूप और विकास स्वरूप और समिति के अध्यक्ष शलभ गुप्ता एंड और महामंत्री जनार्दन विश्वकर्मा के आए हुए अतिथिगणों का भगवान शिव मुदित पटका पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के श्री नारायण बिहला जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, नगर पालिका के चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी, हमारे कोषाध्यक्ष पार्टी के रमेश कुमार जी, चौधरी जी, हम करते हैं मेहनत आपकी है, हमको कुछ शोक नाक है, शोर में आप लोग में हमको शोक है, लेकिन मेहनत आप लोग करते हैं, आप लोग मेहनत से ही है प्रतिभा शिविर लगता है। और अभी जो शेड की बांध की गई है, मैं नगर पालिका की ओर से बोर्ड में प्रस्ताव रखकर इस पूरे पार्क को भगवान पूरे अपनी ओर से प्रयास करेंगे और उम्मीद है इसको अगली बोर्ड में, इसी बोर्ड में 5-4 दिन में बैठक रखने वाले हैं, इसे कवर करने का प्रस्ताव रखते हैं। आपका ये प्रस्ताव मुझे अच्छा भी लगा, यहाँ लगातार चाहिए शिविर लगे, चाहे तुम कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी किसी की कोई भी ये आज हमारा तुलसी पार्क निकट शिव चौक पर स्वर्गीय मंत्री चितरंजन स्वरूप जी की स्मृति में 11वां कावड़ सेवा शिविर लग रहा है, जो चितरंजन स्वरूप जी ने अपने जीवन काल में रहते हुए कावड़ सेवा शिविर शुरू करवाया था। उसके बाद उनके स्वर्गवास होने के बाद मंत्री जी के लिए सब लोगों के द्वारा एक स्मृति मंच बनाया गया था, जिसका नाम चितरंजन स्वरूप स्मृति मंच बनाया गया था। उसके द्वारा 11वां कावड़ सेवा शिविर में भोलों की सेवा की जा रही है, जिसके आज मुख्य अतिथि हमारे बीच नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय शुक्ला जी, श्री गौरव स्वरूप जी भाजपा नेता, श्री मोहन तायल जी भाजपा नेता, श्री किशन गोपाल मित्तल जी, आशु स्वरूप जी, सौरभ स्वरूप जी, विकास स्वरूप जी, सुमित रोहल जी, विनय भाई और यहाँ पर घनश्याम भगत जी और तमाम व्यापारीगण जैसे जनार्दन जी, हम हमदर्द वाले सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे और उन सबके द्वारा संयुक्त रूप से इस कांवड़ सेवा शिविर का जो 11वां कांवड़ सेवा शिविर हमेशा भोलों की जो यहाँ पर जल की, फ्रूटी की, दूध की निःशुल्क कांवड़ चेवर जिसमें चिकित्सा भी दी जाती है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के द्वारा, उसका शिविर का उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया और यहाँ पर सभी भोलों के बीच में सामान बांटकर सेवा की। जी ये 5 दिवसीय शिविर है, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, आज एक अचीवमेंट और बहुत बड़ा हुआ, यहाँ पर विधायक जी, पूर्व विधायक जो अशोक कंसल जी हैं उनके द्वारा और मेरे और जनार्दन जी के द्वारा एक प्रस्ताव मीनाक्षी स्वरूप जी, चेयरमैन साहिब गौरव स्वरूप जी और सौरभ स्वरूप, विकास स्वरूप जी तीनों की तरफ रखा गया कि ये आपके द्वारा यहाँ पर एक जो ये तुलसी पार्क है, आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, हम लगातार 11 वर्ष हो गए हैं, हर बार बारिश का दंश झेल रहे हैं और यहाँ पर अन्य सामाजिक कार्य भी होते हैं, कभी सुंदरकांड होता है, कभी हनुमान चालीसा होती है या अन्य कार्य होते हैं, तो यहाँ पर एक 3 शेड का प्रस्ताव रखा गया है जिसे चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी और गौरव स्वरूप जी ने कहा है शीघ्र बोर्ड में जनता की एक सुविधा के लिए देखते हुए इसे पास करवाकर इसे लगवाने का प्रस्ताव को पारित करने का प्रयास किया जाएगा और शीघ्र जनता को एक यहाँ पर सुंदर 3 शेड देने का प्रयास किया जाएगा।